अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन। अब्बास जो आपने आज एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ है दोस्तों। आज मैं आप दोस्तों को चार सिंगल वे स्विच से या चार सिंगल ब्रेकर से एक टू वे स्विच बनाने का तरीकाकार समझाऊंगा कि आप किसी आसानी से चार सिंगल वे ब्रेकर या सिंगल वे स्विच से आप टू वे स्विच बना सकते हैं और एक लैंप को या किसी भी चीज़ को आप दो जगह से ऑन ऑफ करा सकते हैं, वो भी बगैर टू वे स्विच के। तो चले मैंने सिस्टम बनाया, मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ कि आप देखिए लैंप ऑन हो गया एक तरफ से, अभी दूसरी तरफ से ऑफ हो गया है। दूसरी तरफ से मैं इसको ऑन कर देता हूँ, इस तरह से मैंने इसको ऑफ कर दिया, यानी दोनों जगह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल सिस्टम है। तो चलिए मैं आपको इसे कनेक्शन बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसकी पावर के बारे में बता देता हूँ कि हमने पावर किसे प्रोवाइड करनी है। इसमें ये आपको नजर आ रही है वायर, ये हमारी हमारी जो रेड वाली वायर है, फेस वायर है जो हमारी पावर से आ रही है। ये हमने एक स्विच से दूसरे स्विच तक हमने लूप किया है एक वायर को, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक स्विच से दूसरे स्विच में मैंने ये जम्पर किया है, लूप किया है और साथ मैंने ये मेन वायर ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह ये मेन वायर का सिस्टम खत्म हो गया और जो हमारी न्यूट्रल वायर है ये हमने सीधी लैंप को प्रोवाइड कर दी। ये हमारी लैंप की वायर आ रही है, आपको नजर आ रही है ये लैंप की वायर है इसकी, तो ये हमने इसको डायरेक्ट प्रोवाइड कर दी है। तो अभी जो हमारी लैंप की हाफ वायर बाकी है, यानी लैंप की जो फेस वायर है, वो जैसे हमने पहली तरफ कनेक्शन किया है ऐसे ही सेम एक ब्रेकर से दूसरे ब्रेकर तक हमने लूप किया है और साथ लैंप की हमने वायर जोड़ दिया, यानी कॉमन पॉइंट में हमने लैंप की वायर जोड़ दिया है। और जो हमारे अभी दो टर्मिनल दोनों साइडों पे चार टर्मिनल बच गए हैं, ठीक है, उन टर्मिनल में से ये आप देख सकते हैं एक ब्रेकर से दूसरे ब्रेकर तक मैंने लूप किया है, ये लूप किया है मैंने, ये आपको नज़र आ रहा है। और फिर तीसरे से चौथे में मैंने लूप किया है। तो इस तरीके से कुछ इसके मैंने कनेक्शन किए हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपको डायग्राम के जरिए बताऊंगा कि आप कितनी आसानी से सिस्टम कर सकते हैं। तो ये था इसका प्रैक्टिकल। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।